महेंद्र पाल वर्मा जालंधर से पूछते हैं, मैं पिछले 2.5 साल से त्राटक कर रहा हूँ, 35-40 मिनट का अभ्यास बन गया है। आँख बंद करने पर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। आपके आदेश अनुसार आँख बंद करने पर और पुतलियों पर नज़र रखने पर कभी कभार क्षण भर के लिए प्रकाश दिखता है, लेकिन वह लोप हो जाता है। ऐसी भावना बन गई है, जो भी ध्यान किया उसमें पूर्ण रूपेण सफलता नहीं मिली, जिस कारण निराशा बन गई। अतः आपसे निवेदन है, मार्गदर्शन करें। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है महेंद्र जी कि आप शायद इंतज़ार कर रहे थे कि जब आप त्राटक के बाद आंख बंद करेंगे तो अंदर 2-5 हज़ार वॉटेज की शायद लाइटें जग जाएंगी, जो कभी फिर बंद नहीं होंगी, और वो लाइटें आपकी जगी नहीं है, इसलिए आप सोचते हैं कि आपको निराशा हो रही है। त्राटक का या ध्यान का जो लक्ष्य है वो अंतर कुछ देखना नहीं है, कि राम कृष्ण दिख जाएं, कि शिव हनुमान दिख जाएं, कि गुरुदेव दिख जाएं। हाँ, कुछ दिखने लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है कि त्राटक के द्वारा मन को स्थिर बना सकें, और इस स्थिर और ठहरे हुए मन में जो अतीव गहरी शांति उत्पन्न होती है, उस शांति के अनुभव को लेकर इस धैर्य और धारणा की सिद्धि को प्राप्त करके हम अपने अंतर ज्ञान का संबल बना सकें। आत्मनिष्ठ होने के लिए, ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए ध्यान है, ना कि अंदर कुछ रूप दिख जाए या रोशनियाँ दिख जाए, उसके लिए होता है। तो थोड़ा शायद आप जाने क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नहीं हो रहा है। त्राटक में बैठते हैं, 35-40 मिनट बैठते हैं, तो उस समय मन की स्थिति कैसी होती है वो देखिए। मन सुख में है, मन ठहराव में है, मन आनंद में है, मन एकाग्र हुआ है। तो क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है? जाने आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ढूंढिए मत।